बुरहानपुर जिले की मालवीर पंचायत के घापटी फलिया में आजादी के इतने साल बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी है। बता दें कि ग्रामीणों को प्रसूता या बीमार होने पर दूसरे साधनों से मरीजों को ले जाना पड़ता है। ऐसा ही मामला बुखार से पीड़ित एक मरीज का है, जिसे दो ग्रामीण कपड़े की झोली में डालकर घापटी फलिया से करीब 5 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचा गए हैं। यहाँ से वो इसे इलाज के लिए जामठी गाँव ले गए। दरअसल बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जताई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित नवल सिंह को अस्पताल ले जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही है। जिले के अन्य आदिवासी इलाकों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। इससे पहले धूलकोट इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। घापटी फलिया जब भी कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है या गर्भवती होता है, जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, तो कपड़े की झोली से अस्पताल ले जाने का एकमात्र सहारा बन जाता है। हमको ये परेशानी है कि पानी बारिश में बारिश के दिन में हम गारा इतना गारा होता है, पानी गिर जाता तो वहाँ रास्ता इतना जाने की सुविधा भी नहीं है। और मरीज बाइक अगर कभी रही डिलेवरी होती उसको भी हम लकड़े ऐसे ही बांधते और दो आदमी आगे पीछे उठा के ये चीज़ में लाते, और बाइक भी नहीं चलती ये टाइम में और कुछ भी नहीं चलता, तो वो रास्ते की इतनी समस्या है हमारी कि बहुत सी ज़्यादा है। और वहाँ पर हम हर बार कार्रवाई कर रहे, बाकी कुछ रोड का कुछ निराकरण हो नहीं रहा और बहुत स्थिति खराब है। आज भी एक आदमी इतना लाते लाते पूरा सीरियस हो ज़्यादा हो गया, उसकी तबीयत बढ़ गई ज़्यादा, यानी हमेशा ऐसे ही लाते हैं। ये बहुत सालों से ऐसा ही रोड है, वो ऐसे ही गुजरता हम, इतना रास्ता बिछड़ है कि कुछ नहीं। अभी तक नहीं की, अब चाहते भी कि हमारा रोड बन जाए और हमारी भी सुविधा हो जाए, बस उतना चाहते। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, बुरहानपुर की अगर बात करें तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां सड़कों के अभाव से लोग काफी परेशान हैं, और वहां से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मरीजों को किस तरीके से कपड़े में बांधकर अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। क्या लगता है, ग्रामीणों में भी अब काफी रोष है? ग्रामीणों की क्या मांग है प्रशासन से? बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर के मालवीर ग्राम पंचायत के धावटी का मामला है, जहां यदि हम बात करें तो आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम देखें तो नरकी जीवन जीने को मजबूर है। यहां ना तो कोई सड़कें है, ना किसी प्रकार की कोई साफ सफाई है, जिसको लेकर के यदि हम बात करें तो कोई भी मरीज जब गंभीर अवस्था में होता है या कोई महिला प्रसव के लिए पीड़ित होती है, तो उस समय जो है यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही किसी प्रकार से कोई साधन मिलते हैं, और इसका परिणाम होता है कि महिला का या तो रास्ते में ही प्रसव हो जाता है या फिर जो है मरीज की जान चली जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है एक मानवता शर्मसार होने वाली बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार से कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, तो इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के ग्रामीण खासे नाराज है, आक्रोश है। इन दिन में आक्रोश इतना बड़ा है कि अब वे ये कह रहे हैं कि हम कुछ समय बाद में भी यदि जिला कलेक्टर में भी हमने इसका आवेदन दिया, यदि सरकार नहीं जागती है तो अब जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए आतुर होंगे। जी आकांक्षा, वहीं गोपाल अगर बात करें तो कुछ ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी बड़े बड़े दावे करती हुई देखी जाती है, लेकिन बारिश का समय है और जिस तरीके से ये हालात सामने आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार की ओर से अभी तक कुछ आश्वासन दिया गया है या ग्रामीणों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया हो? निश्चित तौर पर सरकार के वादे यहाँ केवल खोखले नजर आ रहे हैं। यदि सरकार केवल बात करती है कि हम ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है आकांक्षा, इससे यही प्रेरित लगता है कि यहाँ पर जो है ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर है। अब वे जो है किस प्रकार से जो है उनको सरकार लालाहित करने के लिए या उन्हें लुभाने के लिए भी कोई यहाँ योजना लागू करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है गोपाल देवकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस मुद्दे पर साझा करने के लिए। तो साथ ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बुरहानपुर के एक ग्राम की, जहां पर सड़कों का अभाव है और मानवता भी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मरीजों को कपड़े में बांधकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण भी इस हालात को लेकर खासा नाराज नजर आ रहे हैं।